केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। आयोग की रिपोर्ट पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन है और हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। इस बीच भारत सरकार ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी है। परिसीमन आयोग की सिफारिशों को खारिज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कड़ी के रूप में है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर किया जाए। उन्होंने कहा कि इसने जनसंख्या के आधार की अनदेखी की और बीजेपी की इच्छा के मुताबिक काम किया। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, हमें इस पर भरोसा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि आयोग जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि आयोग घाटी के लोगों को शक्तिहीन करना चाहता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज देश के हालात 1947 जैसे बनते जा रहे हैं, ये बेहद ही खतरनाक है। हमारा देश सभी धर्मों के लिए समान है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र हैं। जम्मू में 43 और घाटी में 47 है। हमने सुनिश्चित किया है कि एक जिले से संबंधित विधानसभा क्षेत्र उसी तक सीमित हो। बता दें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या पहली बार एक समान रखी गई है। हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 18 सीटें होंगी, जिनमें से 47 सीटें कश्मीर संभाग में और 43 सीटें जम्मू संभाग में होंगी। इससे पहले तक कश्मीर में 46 और जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें थी। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें रिजर्व होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।